नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको कार लोन को अप्लाई करते समय चाहिए होते हैं। क्या आप भी एक नया कार लोन लेने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि सही डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका कार लोन रिजेक्ट हो सकता है? चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं ताकि आपका ड्रीम कार लेने का सपना हो सके पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन इससे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, हमारे चैनल आई ऑटो प्रो को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड की। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके नाम और फोटो को सर्टिफाई करते हैं और कार लोन एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाते हैं। ये आइडेंटिटी कार्ड आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि लोन एप्लीकेशन सही व्यक्ति द्वारा की जा रही हो। इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। अपने एड्रेस को सर्टिफाई करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस का बिल, किराए की एग्रीमेंट या बैंक स्टेटमेंट पेश कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि आपका एड्रेस सही है और आपके लोन रिकॉर्ड्स में सही से रिकॉर्ड किया गया है। एड्रेस प्रूफ आपके परमानेंट एड्रेस को वेरीफाई करता है और ये दिखाता है कि आप किसी निश्चित स्थान पर रहते हैं। इसके बाद आता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ की बात करें तो आपको सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। सैलरीड पीपल फॉर्म 16 भी जमा कर सकते हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स देना जरूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी अर्निंग कैपेसिटी को दिखाते हैं और ये साबित करते हैं कि आप लोन अमाउंट चुकाने में कैपेबल हैं। नौकरी की जानकारी के लिए आपको जॉब सर्टिफिकेट्स, जॉब ऑफर लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर देना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट को कंफर्म करते हैं और लोन अप्रूवल में हेल्प करते हैं। ये सर्टिफिकेट्स आपकी जॉब स्टेबिलिटी को दिखाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपके पास परमानेंट इनकम सोर्स क्या है। इसके बाद आता है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका क्रेडिट स्कोर लेंडर को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और कर्ज चुकाने की एबिलिटी के बारे में बताता है। आपका क्रेडिट स्कोर ये दिखाता है कि आपने पिछले लोन्स और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स कैसे मैनेज किए हैं। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स या रेंट रिसिप्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके करंट एड्रेस को कंफर्म करते हैं और लोन एप्लीकेशन को मजबूत बनाते हैं। रेजिडेंस प्रूफ ये दिखाता है कि आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं और ये आपके परमानेंट एड्रेस को कंफर्म भी करता है। अब बात करते हैं कार रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। इसमें कार की कोटेशन, इनवॉइस, पुरानी कारों के लिए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और इंश्योरेंस डिटेल शामिल है। ये डॉक्यूमेंट्स लेंडर को आपकी कार की वैलिडिटी एंड वैल्यू की कंफर्मेशन करने में मदद करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि आप जिस कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो और उसकी सही वैल्यू क्या है। दोस्तों, बैंक डिटेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पिछले 6 महीने की बैंक डिटेल्स का स्टेटमेंट और कैंसिल चेक शामिल होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव करते हैं और ये दिखाते हैं कि आपके पास सफिशियंट फंड्स है और आप लोन रिपे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की जरूरत भी होती है। यूजुअली 2 से 4 फोटोग्राफ्स मांगे जाते हैं, इसीलिए इन्हें पहले से ही तैयार रखें। ये फोटोग्राफ्स आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। लोन एप्लीकेशन फॉर्म और लेंडर द्वारा मांगे जाने वाले एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें। ये इंश्योर करते हैं कि आपकी लोन प्रोसेस बिना किसी रुकावट के कंप्लीट हो जाए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सही तरीके से प्रोसेस हो सके। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, जॉब डिटेल, क्रेडिट हिस्ट्री, रेजिडेंस प्रूफ, कार रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लोन एप्लीकेशन फॉर्म, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि लोन अप्रूवल में कोई दिक्कत ना आए। ये इंश्योर करे कि आपके पास सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार है ताकि लोन एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसेस हो सके। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कार लोन एप्लीकेशन के लिए तैयार करने में हेल्प करेगी और इंश्योर करेगी कि आपकी एप्लीकेशन बिना किसी रुकावट के अप्रूव हो जाए। सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी लोन अप्रूव प्रोसेस क्विक एंड इजी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट या सजेशन या क्वेश्चन कुछ भी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें इसका इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, हमारे चैनल आई ऑटो प्रो को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ।